गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ अभी कितना बज रहा है। वहाँ दिखाइए, ये देखो 3:15 हो रहा है शायद से। हाँ 3:15 हो रहा है। तो गाइस रात के बज रहे हैं 3:15 और हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं भूतों की बातें। कुछ और बोले थे किसी की बर्थडे है नहीं। तो गाइस हम लोग आपको बताएंगे कि इस घर के अंदर हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें महसूस किए हैं, तो हम लोग एक एक करके आप लोगों को स्टोरीज बताएंगे और ये सच में रियल स्टोरीज है, ये घर में है भूत। ठीक है गाइस? तो गाइस हम लोग बैठते हैं और फिर हम बात करते हैं। तो गाइस हम लोग आप लोगों को एक एक करके स्टोरीज बताएंगे भूत के बारे में जो हमें इस घर में और इस बिल्डिंग में महसूस हुई है। ठीक है? जो घर है ये घर में भाभी रहते भाभी पहले सिखा रहे। यस, इनके साथ बहुत सारी चीजें हुई है और ये कोई मजाक नहीं है, हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं इस बारे में। तो प्लीज आप लोग ये मत समझना कि हम लोग मन घड़त कहानी सुना रहे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं भाभी से क्योंकि उनका घर है और उनको ज्यादा महसूस हुई है, ज्यादा नॉलेज है। अरे भाभी भाई अपना क्रीम ऐसे दल दल करके हुआ है, शिट तुम्हारे को लोग वापस आए हो। चलो स्टार्ट करो भाभी। तुम लोग को मालूम कितना बज रहा था? टाइम हो गया अभी 4 बज रहा था सुबह के, 3:30 ऐसी ठक 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 आवाज आ रही है। तो मैं उठी अचानक, उठ के देखी कि आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज कहाँ से भी देर तक देखी कहीं भी आवाज नहीं। फिर मैं यहाँ हाथ धोने के लिए उठी, देखू फिर मैं हाथ धो के जैसे खिड़की में देखी तो उधर अरीब बैठा हुआ है। अरीब बैठा है और कुछ तो वो ठोक रहा है ऐसे ठप ठप ठप। 3:30 बजे की रात हो गई, मैं उसको आवाज दे रही हूँ, अरीब क्या कर रहा है तू, अरीब क्या कर रहा है। तो वो पलट के नहीं देखा मेरे को, वो ऐसे वे में बैठ के जो ठप ठप चालू था ना वही। मैं 3 बार आवाज दी, 3री बार मेरे को एकदम डर लगने लगी तो मैं हट गई। रात में अरे क्या करने आया था तो मेरे को ऐसा देखे, बोले किधर आया था, मुझे पीछे आया था ठोक रहा था। मैं तू गई थी पीछे, मैं बोली गई नहीं मैं बस आवाज दी, बोले आज आवाज दी आइंदा कोई भी दिखने दे आवाज नहीं देगा, हम लोग भी दिखेंगे ना तब भी आवाज नहीं देना। मतलब कोई ऐसा अभी डर लग रहा है पीछे कोई आ रही है। ये सच अब भाई मेरे दिल में लग रही घर बार घबराहट, तेरा सब दिल में घबराहट अभी पर देख के इनके साथ तो हुआ है थोड़ा वो भाभी क्यों आवाज एग्जांपल तुम आवाज दे रहे हो अब वो पलट जाता पलट नहीं जाता वो फॉरेन फोर्स आगे था खड़ा था। तो वही अनवर चाचा चिल्लाए ना कि तू क्यों आवाज दी उसको, वो ठोक रहा था ठोकने देती, देखो कुछ कर रहा था नहीं ना, देखो आवाज आई तो तू अपना सोती ना चुपचाप क्यों जाके देखने के लिए खड़ी हुई। लेकिन कोई अपना दिखा तो आवाज दे रहा है। वही मैंने कोई और नहीं था अरीब दिख रहा था इसलिए, बोले अब हम लोग भी दिखेंगे ना तब भी आवाज नहीं देगी। लेकिन गाइस मैं सच्ची बोल रही हूँ कि ये जो शक्ल जो दिखती है ना वो जो मतलब जैसा जो इंसान जो हमारे घर वाला वो वैसे दिखते हैं ये बिल्डिंग में है ना, ये बिल्डिंग में वैसे लोग दिखे हैं। जैसा भी फहद समझ लो एग्जांपल दे लो कि फहद चला गया घर पे लेकिन वो दिखा, ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ में। ऐसा एक बार तुम्हारे साथ भी तो हुआ था, मेरे को बुला रहे थे। हाँ, हाँ, चाली में दिखा था तुम्हारे। हाँ, मैं घर में जब सो रहा था तुमने फोन की मतलब मेरी दम सिट्टी मिट्टी गुल हो गई थी। अरे कुछ नहीं होएगा ऐसा, अभी अपन कोई बात नहीं है इतने सारे जन हम लोग ऐसे हाथ पकड़ लेंगे लाली तो भी नहीं तुम लोग चले जाएंगे आज रात ही लाली भी नहीं है। चलो गाइस, तो गाइस मेरे साथ तो अभी तक खाली वो पहाड़ वाला सीन हुआ है, लेकिन मेरी दादी जो थे
वो उनको दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, ये घर के अंदर, मतलब वो घर के दहलीज पे बैठे हुए थे, ठीक है, रात का ही टाइम था, 12-1 बजे का, मेरी दादी वहाँ पे दहलीज पे बैठे हैं और टेरिस से, ठीक है, टेरिस पे कोई बैठा हुआ है लेकिन उसके पैर नीचे टच हो रहे हैं चाली में, और मेरी दादी उठ के देखने के लिए गए कि मतलब कौन है इतना ऐसा लंबा कि जिसके पैर ऐसे लटक रहे, सिर्फ पैर दिख रहे ऊपर का पार्ट नहीं, और जैसे ही वो देखने गए तो ऊपर कोई भी नहीं है गाइस, कोई भी नहीं, ऊपर का तो बहुत वो है, मतलब सोचो मैं तो एकदम सुन के मैं सुन पड़ गई थी एकदम से, रात भी धूप नहीं जाने घर जाने गया था। और गाइस तुम लोगों मालूम है मैं अपनी शादी के टाइम यही यही घर पे रुकी थी और मैं ऊपर माले पे सोती थी, ठीक है, वहाँ पे लिटरली मेरे को आवाजें आती थी एकदम ऐसा हवा चलती है ना वैसे अचानक से एकदम था मस्त पे अचानक से आवाज आ रही है एकदम अचानक से ऐसा चलता पंगा लेकिन एकदम अचानक से चलता कोई गया भी क्योंकि ऊपर पे होता ही ऊपर तो बहुत चीजें हुई है या नीचे भी होती है लेकिन ऊपर ज्यादा होती है। देखो मालूम एक और चीज क्या, तो ये छोटा था ना 3 महीने का था तो ही मतलब इनका बच्चा घर में नहीं रहता था मतलब ऐसा बोलते कि बच्चों को दिखता है तो मतलब बाहर लेके जा रहे ना तो ठीक है जैसे घर में ला रहे वो इतना रो रहा है 3 महीने का ही था तो हम लोग क्या उसको समझे कि कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? जैसे बाहर लेके जा रहे वो सही हो जा रहा है जब रो रो के पूरी आँख पलट दिया था घर में लाने के बाद क्योंकि अब रात भर तो बाहर नहीं रख सकते ना बच्चे को कहीं से अगर घर में लेके आए अब सुला दे उसको दूध पिला के सुला दे लेकिन वो जैसे घर में आया रो रो के मुंडी ऐसी टेढ़ी ऊपर और आँख पलट दिया वो टाइम ऐसा हुआ कि मतलब क्या करे किसको बताए क्या हो रहा है उसको नहीं समझ रहा अरे घर की बुराई मत करो घर में ही बैठे रहे लेके जाएंगे साथ में कुछ नहीं होगा अल्लाह है अपने साथ तो गाइस मेरी कहानी सुनो अभी तो गाइस मैं ऐसी अफवाह उड़ी थी क्या टेरिस पे ना कोई वो साड़ी पहन के घूमता है ये बिल्डिंग की तो हम लोग 5-6 दोस्त थे दो एक ये बिल्डिंग का था और 2-3 लोग यहीं के थे और 2-3 जन मेरी बिल्डिंग के थे बाजू वाले हम लोग गए ऊपर देखने के लिए मतलब आधा घंटा मोने वहाँ ये मतलब भागे दौड़े मस्ती करे बम्बू वम्बू तोड़ रहे फेंक रहे ऊपर से फेंक रहे बम्बू वम्बू फेंक रहे नीचे से ऊपर सब मस्ती कर रहे अब है ना हम लोग निकलने को जा रहे एकदम मतलब अचानक अपने आप है ना क्लाइमेट भी चेंज हो गया और हम लोग निकल रहे उतने मेरा दोस्त एक जाके ना उधर सामने जाके खड़े हो गया मतलब जहाँ ये जामुन का झाड़ पड़ता है कभी तुम्हारे को दिखाऊंगा वो साइड में ना जाके वो टेरिस के साइड से खड़े हो गए अब हम लोग बोले चल तो चलने को तैयार नहीं तो हम लोग बोले जा भाई तू यहीं खड़े रहे हम लोग आते तो हम लोग उतर गए भागते और वो सिलो कम से कम 15-20 मिनट के बाद आते रहे फिर क्या मैंने उसको कुछ हुआ फिर घर वाले लोग ने मौलाना वलाना को दिखाया फिर वो जाके अभी ठीक हुआ फिर अभी भी उसके आँख में मतलब ऐसा लगता है हाँ है कुछ अपनी बातचीत कौन बोला था जाने तेरे साथ हो जाता था अंदर कितना डर है मालूम है सुन रहे फिर भी टेरिस पे अकेले जा रहे देखने के लिए जैद को जब ये बंद हो गया गाइस अभी फहद अपनी स्टोरी बता ही रहा था कि मेरे फोन का फ्लैश अपना बंद हो गया मतलब एकदम सडनली बंद हुआ शिट फोन में फुल चार्जिंग है सच में बंद हो गई हाँ बंद हुई अब तुम लोग रोज नहीं सो रहे मैं तो आज रुकी हूँ वो भी मतलब सैटरडे है वो हिसाब से मैं रुकी थी हाँ, तो सोचेंगे कुछ नहीं तो बुलाऊंगी अभी यहीं चलो अब दूसरी कहानी सुनो मैं तो अभी पहले फुर्सत में सो जाऊंगी एकदम से ऐसे तो जागे मिलेंगे ना तो मैं सो जाऊंगी कोई जागे या नहीं जागे नींद नहीं आएगी अभी जैद का सुनेंगे मेरे सुनगी फट गई तो क्या बोलो अपनी बताओ क्या होगा अरे बहुत ये ना मतलब मेरे पास इधर की तो बहुत है तुम्हारे को एक बैक साइड मतलब पूरी बिल्डिंग की मतलब बैक साइड में ना पेड़ छप रहा है पूरा
वहाँ कोई ना लुके पड़े थे सब, तो वो चढ़ रहे थे मतलब थोड़े बुजुर्ग टाइप के, तो सब पर जाकर कह रहे थे छपरे में बैठा हुआ था कोई वाइट, मतलब वाइट एकदम वाइट एकदम गंदा भी नहीं, एक धाग नहीं, छपरे में बैठ के एकदम सफेद कपड़े में बैठा हुआ था। सलाम करे सलाम का जवाब दिए, मतलब उसको पता नहीं था असला कोई था गए, मतलब सलाम करा सलाम का जवाब मिला सामने ही रहते भाई, तुमने बताया मुझे क्या बोले इधर है ना एक औरत, मैंने अपनी आँख लाइव देखा कोई लाल जोड़े में औरत मतलब छत से कूद मारती है, मतलब टैरी से कूदी मारती नीचे और नीचे आके गायब, मतलब नीचे नहीं आती, नीचे आती नहीं मतलब ऊपर से गायब हो जाती है, मतलब तू पूरा इंतजाम कर दे हम लोग की सांस रुकाने का। अभी कभी वहाँ से ये वहाँ वो रोड छोड़ के ये चाली में आई, अभी एकदम सीधा आगे तुम्हारे दरवाजे की कहानी सुनाता हूँ। अभी तुमने जैसे बोले ना तुम्हारे गरीब भाई के टाइम पीते हो पीछे बकरे थे, बकरे लोग को कोई कहा नहीं था खाना दर्द, मतलब कितना 10-11-12 बज रहे होगी। मैं थे, मैं और चचा थे, हम लोग खाना दादे थे, पीछे से एक बार ठोका मतलब ऐसा, तीसरी बार ठोका तो चचा ने बोले जरा कौन है, मैं बाहर गया दरवाजा बोला तो मारो पूरा सन्नाटा, कोई नहीं एक मतलब एक आदमी भी नहीं पीछे बैठते ना कोई भी नहीं। ऐसी चीज ये घर में मेरे साथ भी है, अरे अंधेरा अंधेरा हो तुमने पीछे देखे हो और पीछे पेड़ भी कितना भारी। गाइस मैं यहाँ पे अकेली थी, ठीक है, शाम का टाइम था, असर मगरिब का टाइम था, मतलब 5-6 ही बज रहे थे और भाभी नहीं थी, मैं अकेले यहाँ पे लेटी हुई थी। उतने में ना ये बाथरूम का दरवाजा अपना वैसे बंद हुआ, ठीक है, वो खुला भी नहीं था, वो बंद ही था, लेकिन अपना वापिस से ऐसे बंद आवाज आई, हाँ कड़ी लगी हुई थी और वो वापस से मेरे को आवाज आई धप से, तो मैं उठ गई, मैं वापस देखी और मेरे अंदर इतनी मस्ती की मैं जाके वहां देखी कि कौन है, कोई अंदर घुसा है कि क्या, लेकिन वो कड़ी लगी हुई थी अंदर से, बाहर से अंदर वाले घुसे हुए कोई अंदर नहीं था, बाहर से कड़ी थी, मतलब दरवाजा बंद हुआ, हाँ, लेकिन मैं वहां जाके देखी, लेकिन मेरे को एकदम ऐसा हुआ कि बस मैं भाग गई, दरवाजा खुला रखे घर का, मैं बाहर चली गई, मैंने चाचा को बोली कि चाचा कुछ तो है अंदर, मेरे को आवाज आई है ऐसा ऐसा हुआ है। इधर अपने अपने यहाँ बैठे ना फ्लैट पे बाहर, तुम्हारे को तो नीचे जा बताया ये, हाँ वो बाहर क्या दो इंच खाली छोड़ के देते हो, किसी की सवारी जाती वहाँ से, बोले नहीं छोड़ते तो सीधा मैं बताती हूँ लोग क्या बारे में बात कर रहे हैं। बाहर जो है हम लोग का ऐसे बेंच टाइप है जहाँ पे हम लोग ऐसे बैठते और जो मेरे चाचा है वो वहाँ पे कभी कभार ऐसे सोते हैं, ठीक है, लेकिन है ना वो जब भी वो बेंच को थोड़ा सा ऐसा हटा के नहीं सोते, मतलब 2 इंच है ना, 2 इंच छोड़ के उनको सोना कंपलसरी ही है, अगर वो 2 इंच छोड़ के नहीं सोते तो जो जो वहाँ से पास होता है वो 2 इंच के पास से, मतलब जो पास होती है जो भी चीज़ है वो उनको ऐसे धकेल देती है, मतलब उनको क्या वहाँ कोई भी सोएगा उसको वो धकेल के वो जो आदमी है वो आपको रास्ते पे मिलेगा डायरेक्ट, मतलब वो ऐसी कोई चीज़ है जो उसको धकेल देती है, मतलब बहुत डेंजर चीज़ है ये, मतलब बहुत साल पुरानी बात है। क्या मेरे यहाँ दो लड़के थे, हाँ दो लड़के थे, हम लोग ये बराबर बुलाए थे वहाँ छपरा है, तो वहाँ पे ना एक जामुन का झाड़ है, जामुन का ना झाड़ है वहाँ, तो उन लोग ना खेले और ना वो खेल खेल के ना ऊपर से जामुन तोड़े, ये बिल्डिंग के झाड़ के पास, हाँ ये बिल्डिंग अपने पीछे ना झाड़ है वो, वही उन लोग ने ना वहाँ से जामुन तोड़े, एक चढ़ गया ऊपर तो एक ने ना जामुन तोड़ा और मतलब उतर ही रहा था जस्ट, तो मतलब उतरा नहीं, हो लटक गया ऐसा दो टांग डाल के, कैसे लटका लेकिन उल्टा, हाँ अपने आप लटक गया उल्टा, तो ना वो नीचे जो था ना दोनों का सेम नाम था, नीचे जो था ना तो बुलाया चल चल उल्टा भी लटक था चल चल, तो नीचे ही देख रहे हो मतलब एकदम जमीन में ही देख रहा था, यहाँ वहाँ देख ही नहीं रहे, तो फिर वो जो नीचे खड़ा रह के उसको बुला रहे ना,
तो बोल रहा चल ना नहीं चल रहा, उसका नाम ले लेके तो वो चल ही नहीं रहा, नीचे देख रहा है कुत्ते में वो भागा वहां से। और है ना बिल्डिंग में ना चार पांच लोग को बोल दिया उसने, क्या बोला तो ना उन लोग देखे तो उन लोग बुलाए ना, तो चुपचाप वो बिल्डिंग में आ गया और बैठ गया। तो क्या हम लोग क्या उसने कुछ घर में उधम उधम मचाया, उसके घर वाले लोग ने कुछ करे तब जाके ठीक हुआ। जामुन के झाड़ में अलग ही कुछ है ये वाले। कंपाउंड का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चे ने देखा था, सब जानते हैं गाइस कि यहाँ पे एक ऐसी बैल है जो कटी हुई मुंडी वाली है, मतलब वो भागते हुए दिखी है मेरे को नहीं उसको, मतलब हर एक बच्चे जो ये बिल्डिंग में रहते हैं हर बच्चों को दिखी है वो चीज, हर बच्चों अरे सब और सब डरते हैं सबको। मेरे को पहले ऐसा लगता था कि बचपन में कि जैसा मेरे को डराने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन लिटरली गाइस मैंने सबसे सुना। अच्छा एक बात सुनो इधर से देखो, ये पीछे गेट है, दाऊद नर्सरी उनका पीछे से गेट इधर, उसके खाली लास्ट में खाली चढ़ के देखना, कुछ तो कुछ दिखना ही है, कंपलसरी है सीढ़ी तुम देख के डर जाओगे। ये कोने से नहीं इधर से उसके पीछे था बाथरूम था एकदम, देखे तुमने हॉरर पिक्चर सेम वैसी दिखी। तो गाइस अभी तुम सबको भी मैं बता रही हूँ, जो तुम लोग को भी मैंने नहीं बताई हूँ, मैं उन लोग को भी बता रही हूँ, तुम लोग को भी बता रही हूँ जो मेरा और अरीब के साथ में चीज़ें हुई है। मतलब एक बार हुई थी ये चीज़ कि मैं और अरीब ना ऐसी घूम रहे थे, राउंड मार रहे थे 12 बजे के टाइम पे, 12:30 बज रहे थे, और अपने से यहाँ से 15 मिनट दूरी पे वो जगह है जो तुम लोग को मालूम होगी, जगह का नाम मालूम है ना, वालकेश्वर। हाँ वालकेश्वर ठीक है। तो वहाँ पे पहले से ही ऐसा है कि भाई 12 बजे के बाद तुम वो रास्ता चढ़ ही नहीं सकते, वो थोड़ा ऐसा डेंजर रास्ता है। तो हम लोग मैं और अरीब वहाँ पे चढ़े ठीक है, और वहाँ पे कोई भी नहीं था ठीक है, वो रास्ता पूरा सन्नाटा था, पूरा अंधेरा वाला है। और मैं अरीब को बोल रही थी कि अरीब क्यों ये जगह पे ले जा रहा है, इतना सन्नाटा है, मेरे को डर लग रहा है। तो अरीब बोले कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ बोलते हैं ऐसा वैसा ये वो। लेकिन जब हम लोग वहाँ से क्रॉस करे वो थोड़ा ऐसा चढ़ा ना फिर ऐसा उतरा ना, तो चढ़ने के टाइम पे तो कुछ ना, जब उतर रहे थे ना तो हम लोग को, हम दोनों को एक लड़की ऐसे वाइट ड्रेस में से पास होते हुए दिखी ठीक है। तो हम लोग को क्या लगा कि भाई कोई होगा जो पास किया ऐसा क्रॉस किया, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े, जैसे हम लोग आगे बढ़े तो वो लड़की दिखी ही नहीं। लिटरली अरीब ने रुका के आजू बाजू देखे, मैं भी देखूँ कि वो लड़की गई कहाँ, क्योंकि वहाँ से कोई रास्ता नहीं है आजू बाजू का, वो रास्ता सिर्फ सीधा जाता है और वहाँ से कोई आता नहीं है, सिर्फ जाने का रास्ता है यहाँ से। और उसके बाद जो हम लोग ने गाड़ी भगाया तो सीधा घर पे जाके रुकी है उनकी गाड़ी। और दूसरे दिन मुझे बुखार हो गया और ये बात सिर्फ मैंने पापा को बताई, और जब मैंने पापा को बताई कि भाई वो रास्ते पर मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, तो मेरे पापा ने मेरे को इतनी बातें सुनाई कि तुम लोग क्यों गए वहाँ पे, तुम लोग को मालूम नहीं कि वहाँ पे पारसी लोग का कब्रिस्तान है, ये बात तुम लोग को मालूम है वालकेश्वर में। यस वहाँ पे पारसी लोग का कब्रिस्तान है, जिसमें जैसा अपने में जैसे मुस्लिम लोग में दफनाते हैं, हिंदू लोग में जलाते हैं, लेकिन वो लोग का अलग तरीका है, वो लोग डेड बॉडी पे मसाला ऐसे कुछ ऐसा लगाते हैं और वहाँ पे छोड़ देते हैं, वल्चर खाते हैं। हाँ वहाँ पे वल्चर खाते हैं या ईगल जो भी है वो खाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है उनकी आत्मा भटकती है वही जगह पे, मतलब सोचो। उसके बाद से मैं अभी दिन में भी जाने वहाँ पे इतना डरती हूँ, वो जो जूता घर है वहाँ की बात बता रही हूँ, उसके पीछे साइड है। यस हाँ जूता घर के पीछे साइड है तो गाइज आप लोगों को हम लोगों ने अपने घर की और जो मुंबई में जो हॉन्टेड प्लेस है उसके बारे में बताए, और हम लोग को अभी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अभी कैसे नींद आएगी, लोग दोनों पता नहीं कैसे घर जाएंगे। नहीं मैं तो ऊपर सो रहा हूँ। यही सो रहा है, ऊपर भी नहीं। एक काम करते है गाइज, हम लोग सब यहीं पे एक साथ सोते है ना, हम लोग यहाँ पे एक साथ सो जाते हैं तो थोड़ा डर कम लगेगा। नहीं अरे सब अलग अलग जाओ, कोई एक जाएगा दोस्तों, एक तो बचेगा, सब एक साथ जा रहे हो क्या।
तो गाइज ये जो सारी स्टोरीज उन्होंने बताया वो सिर्फ स्टोरीज नहीं है, वो सिर्फ वो सारी चीजें रियल में हो, रियल में हम लोग सबके साथ में, और ये घर में है, ये बिल्डिंग में है। मत बोलो प्लीज। गाइज यहीं पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।